नमस्कार नमस्कार मित्रों। अरे बीबी को आपने ढेर सारा मिस किया, बीबी ने भी आपको दिल से बहुत मिस किया, बहुत, हम सच्ची बता रहे हैं, बहुत मिस किया हम आपको। लेकिन क्या करें, इतना काम, टू बिजी, बहुत बिजी रहे हम। अरे ये एंटी नेशनल अर्बन नक्सल टाइप लोगों को ठीक करना, अरे इतना आसान थोड़ी ना है। ससुरा 70 साल से ना दुम है ना, टेढ़ी की टेढ़ी है, ठीक करना पड़ता है मार मार के। लेकिन अब हम हॉलीडे मूड में है, अरे अब हम ब्रेक लेंगे। हाँ जी हाँ, सन सी सैंड एंड स्वर्ग लोक कॉल्ड कैलासा। अरे दिल प्रसन्न हो गया है, जिंदगी में इतनी खुशी तो बहुत ही कम मिला। अरे देखिए, लोगों को हम पाकिस्तान भेजते 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 परेशान आ गए। अरे खुद तो कभी टोल नाके के पार नहीं गए, लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। लेकिन फिर आया बुलावा, नित्यानंद जी का बुलावा आया। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि भक्त बनर्जी तो एक दो लोगों का भक्त है, दूसरे नंबर पे आते हैं नित्यानंद जी। उनकी अपार शक्ति के बारे में भक्त बनर्जी आपको पहले ही बता चुका है, आप जानते हो। नित्यानंद जी आज के डेट पे बहुत ही बड़ा कार्य करने वाले हैं, शुभ कार्य करने वाले हैं। आरबीके का उद्घाटन आज के डेट पे है। आरबीके नहीं मालूम आपको? अरे भैया, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की आज इनॉग्रेशन है, हम स्पेशल गेस्ट, बीबी इज अ गेस्ट। और साथ ही सुना कैलास में सरकार भी अब बन रहा है, पूरा का पूरा सरकार बन रहा है, तो हमारा होना बहुत जरूरी है। बीबी को कंसल्ट किया गया है कौन किसको मंत्री बनाया जाए, तो हमने भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू बी मंत्री इन कैलासा। नमस्कार मित्रों, अच्छा देखिए, शुरुआत से पहले हम आपको बता दें, आप लोग ना नेगेटिव लोग हो, हैं ट्विटर पे डालना शुरू कर दोगे, देखो भक्त बनर्जी कहाँ है, कैलासा में है, हैं इंडिया में क्या सब चंगासी है। अरे ठीक है, थोड़ा कोरोना फुरोना केस है और बेरोजगारी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सब तो चंगा है। 6 साल लग गए लेकिन देश आज सही रास्ते पे जा रहा है। भूमि पूजन और लिपटाडुओं की सूजन दोनों दिखने का जो परम सुख मिला है ना, आहा दिल ठंडा हो गया है। अब देखिए, सीबीआई को एसएसआर वाला केस भी मिल गया है, अर्णब दादा तो नंबर वन पे आ गए हैं, इलेक्शन पर इलेक्शन ऐसे में ही जीत रहे हैं, अच्छे दिन तो आ ही गए। 2014 में हमने बोला था है? जो काम करने के लिए आए हैं वो करके रहेंगे, इसीलिए अब ये सारा काम होने के बाद बीबी सोचा थोड़ा इंटरनेशनल हम भी हो जाए, थोड़ा घूम चाल ले। अब भाई इंडिया से हमें एक ही प्रॉब्लम है, ये जो तुम लोग लिपटाडू लोग हो ना, और जो ये चुप बैठने वाले लोग हो, हैं एक टैलेंट की रिस्पेक्ट तो है ही नहीं तुम लोग के अंदर, है। नित्यानंद जी को देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष, आह अपार शक्ति, लेकिन देश से भगा दिया ना तुम लोग ने। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेर देर इज भक्ति देर इज अ वे। अरे झंडा भी बना लिया, नाम भी लगा दिया, पासपोर्ट भी बना दिया, एम्बलम भी लगा दिया, रिजर्व बैंक भी खोल लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया बताओ? ऑल द एब्सोल्यूट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा एंड द करेंसीज, इट्स ऑल रेडी। तो इसीलिए आज हम हैं कैलासा में और नित्यानंद जी की सेवा में हम हैं। हमको तो ये भी अभी पता चला है कि कॉम्पिटेंट लोगों को ऑलरेडी टैप किया जा रहा है, उनको फोन किया जा रहा है कि आइए कैलासा में, आइए मंत्री बनिए और देश को अब आगे ले जाइए। इंडिया के बाद अब कैलासा में करवाएंगे विकास। अब कौन कौन बन सकता है मंत्री, हमसे भी पूछा गया, हमने भी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। देखिए, सुरक्षा का मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और देखिए नया देश है, कौन कहां अटैक कर दे, इसीलिए हमने नित्यानंद जी को बोला है। जहां तक डिफेंस की बात है तो वहां प्रज्ञा जी का ही नाम आना चाहिए। अब देखिए, सोचिए बगल में है अमेरिका, तो वो गोरो को हैंडल कर लेगी, है खत्म कर देगी उनको, निस्त नाबूद कर देगी। अगर गोरो ने गलती से हाइड्रोजन बॉम्ब गिराने का धमकी दिया तो इधर से वो हम कंडे मारेंगे उधर से। और अगर किसी देश ने हमारे साथ गलती से हथियार वगैरह ये सब हरकतें कोशिश की, प्रज्ञा जी जानती हैं कैसे डील किया जाता है, तेरा सर्वनाश होगा। अरे प्रज्ञा जी के तो डिफेंस स्ट्रेटजी इतनी तगड़ी है, इतनी खतरनाक है कि चुनाव के बाद देश तो छोड़ो, भोपाल की जनता को भी वो दिखने को नहीं आई, नजर नहीं आई, दुश्मनों की नजर से ऐसे गायब हो गई। अरे मिसेज इंडिया है, मिसेज इंडिया अमेरिका स्टेल्थ विमान बनाता है, वो तो खुद ही की खुद ही स्टेल्थ हैं, गायब हो जाती हैं जब चाहें, प्रकट हो जाती हैं जब चाहें। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा 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 सुनो सुनो, अभी ये क्या है ना, ये नया देश है तो इसमें एडवर्टीजमेंट, इसमें न्यूज कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारी मधु जी, हाँ हाँ अरे ट्विटर वाली मधु जी, पार्ट टाइम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फुल टाइम फैक्टेरियन है वो, फैक्टेरियन। हाँ, और अगर उनको नहीं जानते हो
तो बहुत ही गड़बड़ है तुम्हारा सिस्टम, क्योंकि कभी भी ट्विटर का अगर देख लो, अगर कोई फेक न्यूज जब तक ना इनकी टाइमलाइन के दर्शन ना कर ले तो फैक्ट चेकर भी उसको भाव नहीं देता उस खबर को, है? तभी इनको आई एंड बी मिनिस्टर बना देंगे। तो ये जितने भी न्यूज चैनल वगैरह है ना, ये पैसा वैसा देना पड़ता है नेगेटिव न्यूज दबाने के लिए, अरे एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि तब सीधा व्हाट्सएप पर ही सर्कुलेशन होगा सारा ब्रेकिंग न्यूज का, सारा इंफॉर्मेशन का मधु जी पूरा संभाल लेंगे। कुछ भी कुछ भी। अरे अर्णब दादा आप रुको, आपका भी नंबर आ रहा है, लेकिन पहले हम ये तो बता दें आपको कि नित्यानंद जी का मानना क्या है फाइनेंस के बारे में। द करंट विच कीप्स द करेंसी मूविंग इज द वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो ऐसा है कि बिल्कुल चार्ज्ड अप वाला फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए है? हमारे माल्या जी, मोहनदास पाई जी हमारे बन सकते हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर, हमने सुझाव दिया है, इनसे अच्छा मिनिस्टर और कौन हो सकता है, बहुत बड़े वाले हैं ये इकोनॉमिस्ट, और रहे तो ये डीमोनेटाइजेशन जैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करेंसी को तो मोनेटाइज ही नहीं होने देंगे ना, वरना ये भाई साहब भी हैं, इनको भी बना सकते हैं हम फाइनेंस मिनिस्टर। द प्रपोजल इज वी गो टू बिल गेट्स एंड से आउट ऑफ द 100 बिलियन यू गिव 50 बिलियन टू अस इन ट्रस्ट टू बी गिवन टू यू इन योर नेक्स्ट लाइफ व्हेन वी फाइंड यू। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि बिल गेट्स भी ना खुद आएगा घुटनों के बल हैं हमारे कैलासा में पैसा देने के लिए, अरे लोन भी लेगा हमारे कैलासा से बिल गेट्स। हाँ, तो ये सब जब हो जाएगा, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, तो अब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सड़कें बनेंगी तो फुटपाथ बनेंगी, और फुटपाथ बनेंगी तो ऐसा मिनिस्टर चाहिए जो लोगों को विकास के साथ साथ ड्राइविंग स्किल भी सिखा सके। हैं तो इसमें हमने सोचा सल्लू मियां काफी सही बैठेंगे, हैं लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इनका तो फुटपाथ रिकॉर्ड है, लेकिन देखिए एवरीबॉडी इज वेलकम इन कैलासा एवरीबॉडी, तो हम बोलेंगे सल्लू भाई इधर आ जाओ और हमारे यहां बन जाओ मंत्री, फुल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा कैबिनेट आपके लिए रखेगा। हाँ, और देखो नया देश है तो लोगों को घूमने फिरने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैलासा के लिए, तो इसके लिए हम अपने राजनीतिक मतभेद को दूर रखते हुए, हाँ जो भी है, देखिए वी आर वेरी लार्ज हार्टेड, हम पर्सनल चीजों को ऐसे लाते नहीं है बीच में। हमारा मानना है कि राहुल बाबा बहुत अच्छे रहेंगे टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ कैलासा। अब देखिए ना, वैसे भी उनको देश की समस्या से ज्यादा मतलब तो है नहीं है, जैसे बैंकॉक घूमते हैं और वैसे ही कैलासा भी घूम लेंगे और लोगों को घुमा देंगे। और अगर स्वामी जी को किसी वजह से अगर मान लो ना माने कि भैया नहीं, भैया हमें पप्पू नहीं चाहिए, तो बैकअप के लिए ये लौंडा है ना। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? और देखो कोई भी शुभ काम समाजवाद के बिना नहीं हो सकता है, तो जब लॉ मिनिस्ट्री बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि गोस्वामी जी ही संभाले हमारी लॉ मिनिस्ट्री। अब देखो उनका एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से रात को 9 बजे पूरी बेंच के साथ रिपब्लिक की अदालत में जजमेंट देते आए हैं, क्या तजुर्बा है जी, जनता को भी मिलेगी ट्रांसपेरेंसी, है ब्रॉडकास्ट होगा कि सारी प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, सारे सबूतों गवाहों के मद्देनजर रखते हुए पैनलिस्ट बैठाकर सीधा लाइव जजमेंट का प्रसारण किया जाएगा कैलासा में, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रहेगी कैलासा में, और कहीं नहीं होगी ऐसी व्यवस्था। और देखो भाई, बाकी देश के साइंटिस्ट होते हैं ना जो करते हैं क्या कहते हैं उसको एक्सपीडिशन, है इसरो नासा है, बड़े बड़े वाले आए, नित्यानंद जी को इनकी जरूरत नहीं है, अरे स्पेस रिसर्च के क्या करेंगे, नित्यानंद जी तो खुद ही एलियन है। आई एम एन एलियन आउटसाइड ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन अरे भैया उनको भी तो स्पेस में जाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो ड्राइवर चाहिए होगा ना, रॉकेट चाहिए होगा ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए हम हमारे लेडीज हेलमेट पहन के एस्ट्रोनॉट बनने वाले चौरसिया जी को हम नॉमिनेट करेंगे, और कैलासा का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू वगैरह भी अगर जरूरत पड़ेगी प्रमोशन वगैरह के लिए, टीवी इंटरव्यू के लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल होंगे ना नित्यानंद जी उनके साथ, तो वो डबल काम भी कर लेंगे, हैं तो एक्स्ट्रा हम उनको दिहाड़ी भी दे देंगे, चौरसिया जी को बुलाया जा रहा है। और अगर सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें है पैसा, ऊपर वाले आइटम्स को हम खरीदेंगे कैसे, पैसा, अरे पैसे तो हमारे पास, अरे नित्यानंद जी के पास तो बहुत डोनेशन है, लेकिन
परफेक्ट चॉइस है नीरव मोदी भाई साहब, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा संभालेंगे। जिस व्हाट्सएप ग्रुप के नित्यानंद जी महाराज मेंबर हैं, उनके तो एडमिन रह चुके हैं हमारे नीरव मोदी जी। आए राष्ट्रवादी हैं, रिश्तेदारी भी है, और पैसे कैसे खर्च किए जाएं इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। अरे इन्होंने पैसे छोड़ो, इन्होंने तो पूरे के पूरे बैंक खर्च कर दिए, लेकिन कैलासा में पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं है। हाँ देखा, इनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है हमारा कैलास रिजर्व बैंक संभालने के लिए। और ज्यादातर देखिए इंडिया की मिट्टी से ही आएंगे यहां लोग, तो क्रिकेट तो हमारे खून में है, तो भाई क्रिकेट टीम भी बनाई जाएगी यहां, और उसका नाम हमने सोचा है नित्यानंद नाइट राइडर्स NKR। हाँ, और इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे इंक्वायरी भी आने शुरू कर दिए हैं। वो क्या नाम है उसका, आर अश्विन है? है क्रिकेटर, वो पहले से ही पता करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आया जाए इधर कैलासा में। और विजय बर्गिया का बेटा है ना, वो बनेगा कैप्टन। आह क्या धुलाई करता है, आय हाय हाय हाय, उसको तो हम पहले ही नॉमिनेट कर चुके हैं एज कैप्टन। आईपीएल मैच अब होगा ना तो CSK ना ट्रॉफी छोड़ो, अबे टॉस नहीं जीत पाएगा हमारी टीम के सामने। बस जमीन है, सरकार है, सरकारों की सरकार है, और क्या चाहिए आज के डेट में, आए देश चलाने के लिए। कैलासा में कोरोना से भी कोई खतरा नहीं है, गारंटी हमारी। यहां सिर्फ मानसिक रोग को छोड़कर और कोई बीमारी नहीं है, और अगर गलती से कोई बीमारी लग भी जाए तो अरे भैया नित्यानंद जी है ना, देख लेंगे। 1 करोड़ लोगों को बना सकते हैं तो वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, ये तो छोटी मोटी बात है उनके लिए है? तो भैया देखिए ये रहा करता धरता, अभी सिचुएशन ऐसा है। देखिए बहुत कुछ एक्टिविटी है यहां कैलासा में, हम थोड़ा सनसी साइड एंजॉय करते हैं कैलासा में आए, लेकिन आप बताइए वापस आए कि नहीं आए, है ना, हमको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब देखिए हम यहां आए हैं तो काम वाम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे तो वापस आए, या तो आप बोलो तो यहां ही कुछ हम भी अपना सेटिंग कर ले। अरे अरे स्पोक्स पर्सन टाइप, हमको भी ऑफर आया है, नित्यानंद जी बोले तुम देख लो, है भक्त बैनर्जी तुम देख लो, तो हम सोच रहे हैं। तो आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में नीचे कि वहां और भी ये लिपटाडू लोगों को अभी ठीक करने की जरूरत है, भूषण को ठीक करने की जरूरत है, या हम थोड़ा सा आराम ले, थोड़ा सा कैलासा में थोड़ा सा और भक्ति बढ़ाए यहां है। तो जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कि हमारी जरूरत वहां है या यहां है, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अभी हम पहली फुर्सत में निकलते हैं। नमस्कार मित्रों,